सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, प्रभारी मंत्री की बैठक उलझे पीसीसी चीफ डोटासरा और राजेंद्र पारिक। नवलगढ़ रोड पर हो रहे जलभराव को लेकर दोनों नेता आपस में उलझ गए। हालांकि मुद्दा यहां पर जनता को लेकर है। सभापति नगर परिषद जीवन का बैठक को छोड़कर ही बाहर चले आए। अधिकारियों को जमकर डांट लगा रहे थे पीसीसी चीफ। और इसी बीच शहर विधायक राजेंद्र पारिक नाराज हो गए। कहा कि इस तरह से अधिकारियों को डांटने का आपको कोई अधिकार नहीं है, जाइए और देखिए। लक्ष्मणगढ़ सीकर शहर से नहीं आपका कोई लेना देना। डोटासरा ने कहा कि सीकर शहर में रहता हूं, यहां भी मेरा अधिकार है। प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने बीच बचाव किया, यानी बीच बचाव करने तक की नौबत आ गई। अब इस तरह की खबरें बेहद कम आती है जब पीसीसी चीफ के साथ अन्य नेता की इस तरीके से मनमुटाव हो जाए, वो भी जनता से जुड़ा मुद्दा था। हालांकि बैठक थी, बैठक से बीच में ये बात निकल कर आई। जरा सुनिए। बिल्कुल सहज बात नहीं, नवलगढ़ रोड और कटेपुर के लोग कीड़ा भोग रहे हैं। हमारी सरकार होते हुए भी हमें तकलीफ इस बात की है, इस बात की तकलीफ है। लक्ष्मणगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं है जहाँ की अधिकारी होंगे जबरदस्ती पार्टी बन रहे हो, पार्टी मैं सीकर को हूँ, नहीं है, गलत है, मैं हूँ, कुछ नहीं हो, एक नेता हो जैसे हम भी हैं, नहीं हो, अपनी सीमा में रहो, अपनी सीमा में रहो, अपनी सीमा में रहो, ये कह रहा हूँ मैं, अपनी सीमा में रहो, अपनी सीमा में रहो, ये लिया सीकर का कि ये बनेगा ये नहीं बनेगा, ये ठेका नहीं लिया आपने, चुप करे यार, क्या बात कर रहे हो, अध्यक्ष आप इतने सीनियर होकर के सीनियर आपने देखा हम अधिकारी को पूछ रहे भाई काम नहीं हो रहा है और ये जबरदस्ती पार्टी बन के नहीं पहुंचे। नवलगढ़ रोड खुदा पड़ा, अच्छी चार महीने से बरसात आ रही है, पिपराणी रोड की साइड खोद करके डेढ़ महीने से बड़ी साइड में इंटरलॉक लगा रहे हैं, तो वहाँ लग रहे हैं, वहाँ लग तो रहे हैं, इंटरलॉक लग रहे हैं, डेढ़ महीने से गुदी पड़ी है। अगर आप 50 मीटर खोदते, 50 मीटर लगा देते, 50 कर देते, वैसे थोड़ी हो रहा है, इंटरलॉक लगा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, काम कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे, काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, रात को 12-12 बजे तक साइड देखता हूँ, एक एक साइड देखता हूँ, नवलगढ़ रोड होते हैं, पिपराली रोड, पूरे शहर में घूमता हूँ मैं और चेयरमैन दोनों, इसलिए काम करते हैं, इसलिए तकलीफ होती है सुनने में। चर्चा नहीं करें, चर्चा करिए, नहीं सीकर की क्यों करें, और साथ और सीकर की मैं सवाल सीकर की नवलगढ़ रोड को या बैठक के अंदर जो मनमुटाव हुआ, जिस तरीके से बीच बचाव प्रभारी मंत्री भी करती हुई नजर आई, अब क्या स्थिति बनी हुई ये बताएंगे हमारे सहयोगी रमेश। रमेश, ये मामला जिस तरीके से उलझा, जनता से जुड़ा था लेकिन उलझ आपसी नेताओं के बीच में गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, एक बार विस्तार से बताइएगा पूरे मामले को। बिल्कुल पूनम, बताना चाहूंगा कि अभी इस तरीके की कोई वातावरण मीटिंग में नहीं है, मीटिंग चल रही है, लेकिन जिस तरीके से अधिकारियों के सामने जो सीनियर नेता हैं शहर विधायक राजेंद्र पारिक और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बीच जो तकरार हुई, उससे निश्चित रूप से एक जनता के बीच अच्छा संदेश नहीं गया, क्योंकि आपस में अगर ये लड़ते हैं तो विकास कार्यों की बात दूर दूर तक नहीं देखी जा सकती, और विकास कार्यों को लेकर के ये बैठक थी, प्रभारी मंत्री भी बैठक में मौजूद थी, महादेव सिंह खंडेला, उन्होंने बीच बचाव किया, प्रभारी मंत्री ने बीच बचाव किया, और मामला जल भराव को लेकर के था,
पीसीसी चीफ अधिकारियों को डांट रहे थे कि जल भराव समय पे नहीं हो पा रहा है, नवलगढ़ पुलिया पे पानी भरा है। इसी को लेकर के जो डांटने का तरीका था उसको लेकर के नाराजगी जताई राजेंद्र पारिक जो शहर विधायक, उन्होंने कहा आप इस तरीके से अधिकारियों को डांट डपट नहीं सकते। और इसी को देखते देखते इतनी बड़ी बात हुई कि तू मैं हो गई और शहर विधायक को ये कहना पड़ा कि आप लक्ष्मणगढ़ जाके अपना विधानसभा क्षेत्र देखिए, सीकर शहर में आपका कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं फिर पीसीसी चीफ ने कहा कि मैं सीकर शहर का रहने वाला हूँ, सीकर शहर में मेरा निवास है। तो कुल मिला के अगर बात करें पूनम पूरे मामले को लेकर के, तो जो आज राजनीतिक घटना हुई है वो एक अच्छा संदेश नहीं है, क्योंकि विकास कार्यों को लेकर के बड़ी बैठक थी, जिले के अधिकारी थे, पूरे जनप्रतिनिधि थे, और इस बीच में ही सभापति जो नगर परिषद है जीवन खां वो बैठक छोड़ करके चले गए अपनी नाराजगी जताते हुए कि मुझे ऐसी बैठक में नहीं रहना है जहाँ तुम्हें हो रहे हैं और जहाँ सीनियरिटी का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। बिल्कुल रमेश, ये जो आपने जानकारी दी है कि इस तरीके से बैठक छोड़ के चले जाना, आपस में तू मैं होना, लेकिन फिलहाल उस मुद्दे को जरा समझाइएगा जिसकी वजह से फिलहाल ये नौबत आन पड़ी, उस जलभराव का मुद्दा, 4 महीने का जिक्र यहां पर किया गया है। क्या अधिकारियों को जो डांट फटकार लगी है क्या वो सही है, या फिर जिस तरीके से लगी है उसका विरोध किया गया? बिल्कुल पूनम, ये बहुत पुराना मुद्दा है सीकर शहर का, और करीब ये माने कि 1 दशक पुराना मामला है। नवलगढ़ पुलिया एक ऐसा इलाका है जहां हमेशा जल भरा होता है, और सीकर से झुंझुनू का जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। हाल में अभी 4 दिनों में लगातार जो बरसात हुई इससे पूरा मार्ग ये बंद रहा था। तो पीसीसी चीफ डोटासरा का कहना था कि समय रहते काम नहीं हुआ और जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वही विधायक पारिक ये कहना चाह रहे थे कि लंबे समय की समस्या है, इसको सुलझाने में लंबा समय लगेगा, अंडरग्राउंड नाले गिरेंगे, टाइम बार पे काम नहीं हो पा रहा था, इस बात को लेकर डोटासरा नाराज है। तो विधायक कह रहे थे कि लंबा प्रोजेक्ट है, इसमें समय लगता है। तो कुल मिला के विधायक का ये कहना था कि इस प्रोजेक्ट में लंबा समय लगेगा। तो पीसीसी चीफ चाह रहे थे कि अगर हल्की सी बरसात हुई है, जो प्री मानसून बरसात है, उसी में अगर ये हालात है तो फिर मानसून में क्या हालात होंगे शहर को, इसी को लेकर के दोनों जो जनप्रतिनिधि थे उनके बीच टकराव हुए। चलिए ठीक है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि दरअसल मुद्दा क्या था, बने रहिएगा रमेश हमारे साथ, और किस तरीके से बीच बचाव यहां पर शकुंतला रावत को करना पड़ा, किस तरीके से ये बात जो है इतनी ज्यादा बढ़ गई और आपस में उलझ गए दोनों नेता। बिल्कुल सहज भाव नहीं, हम कीड़ा भोग रहे हैं, नवलगढ़ और के लोग कीड़ा भोग रहे हैं, हमारी सरकार होते हुए भी हमें तकलीफ इस बात की है, इस बात की तकलीफ है। लक्ष्मणगढ़ ऐसी स्थिति नहीं है जहाँ ये नवलगढ़ की आप कैंसिल करेंगे नहीं करेगा। तो राज्य अधिकारी आपको मेरे अधिकारी हैं, तो राज्य अधिकारी हो गए गाड़ी, कितने लोग बैठे हैं सबके साथ, पूछना सबके सारे लोग हैं, जबरदस्ती पार्टी कि मैं सीकर को हूँ, मैं ही गलत है, मैं हूँ कुछ नहीं हो, एक नेता हो जैसे हम भी हैं, अपनी सीमा में रहना चाहिए आपको।